नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप स्वस्थ ही होंगे। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर 3-4 टॉपिकों के ऊपर वीडियो बनाया है और वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन वीडियो को देखिए। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का टॉपिक, उसके ऊपर 3 वीडियो मैंने डाली थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन, बिल्कुल सब कुछ डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने उसके अंदर बताया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने बहुत उन वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आइए अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जहाँ बात आती है प्यारे दोस्तों, तो इसके ऊपर सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि उपराष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। तो अनुच्छेद 63। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था। राष्ट्रपति पद का जो वर्णन था वो 52 अनुच्छेद था, राष्ट्रपति पद का। उसके बाद अब हम जिक्र करेंगे राष्ट्रपति से नीचे जो होता है उसका नाम होता है उपराष्ट्रपति। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 63 के अंदर है। और उपराष्ट्रपति के बाद जो देश के अंदर जो पद आता है वो होता है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री पद का जो वर्णन है वो आर्टिकल 74 के अंदर है। इनके अंदर डिफरेंस देखिए, 52 में हमने 11 जोड़ दिए 63, और 63 में अगर हम फिर से कितने प्लस कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे तो 74 हो जाएगा। तो राष्ट्रपति 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में और प्रधानमंत्री 74 में। 52 में 11 जोड़े 63 हो गया, 63 में आप फिर से 11 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति पद का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, वो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अंदर इस चीज़ का वर्णन जो है वो मिलता है। इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति के टॉपिक से एग्जामिनर किस प्रकार से और कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस में जिस भी पदाधिकारी का, राजव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी का आप अध्ययन करोगे तो उसका सबसे आसान तरीका है, उसको डिवाइड कर लीजिए आप। उसकी योग्यता पढ़िए, उसका चुनाव पढ़िए, उसके बाद उसकी शपथ, उसका वेतन, उसका कार्यकाल, उसका त्यागपत्र। तो यही सारी चीज़ें हमें उपराष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़नी है। बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करें। देखिए, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन जो है वो आर्टिकल 63 के अंदर दिया गया। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है पद। इसका आर्टिकल 63 के अंदर वर्णन जो है वो दिया गया है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति के कार्यों के लिए या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति से नीचे जो व्यक्ति काम करेगा वो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा या देश का उपराष्ट्रपति जो है वो होगा। आइए उसी तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति का किया था। तो सबसे पहले हमें इसकी योग्यता पढ़नी है कि देश के अंदर किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है या कौन व्यक्ति देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम इसका निर्वाचन पढ़ेंगे, निर्वाचन को आप चुनाव भी कह सकते हो। उसके बाद इसकी शपथ, शपथ के बाद इसका वेतन, वेतन के बाद इसका कार्यकाल, और कार्यकाल के बाद इसका त्याग पत्र। और राष्ट्रपति के टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। देखिए, योग्यता की जहाँ बात आती है, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बताया था कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और साथ साथ देश के अंदर लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लायक उम्मीदवार वो होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमें उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, कंपैरिजन में हम अगर दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, अगर आपने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, उसके बाद आपको ये बेहतर तरीके से आप दोनों का कंपैरिजन या दोनों की तुलना करके बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। योग्यता की जहां बात आती है तो वही 35 वर्ष की आयु उपराष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, भारत के अंदर सिर्फ 4 ही ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी, जिनका क्राइटेरिया, जिनकी योग्यता
35 वर्ष निर्धारित करी गई है। राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्य का जो प्रमुख संवैधानिक होता है राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये चार आदमी ऐसे हैं, चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनका चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीतने के लायक उम्मीदवार हो, लेकिन यहाँ पर जब बात उपराष्ट्रपति की आती है तो उपराष्ट्रपति के बारे में ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ये राज्यसभा का उम्मीदवार, यानी कि राज्यसभा का चुनाव जीतने योग्य उम्मीदवार हो। राष्ट्रपति के लिए हमने लोकसभा की कंडीशन लगाई थी, उपराष्ट्रपति के लिए हमने राज्यसभा की कंडीशन जो है वो लगा दी है, ये से इसका संविधान कहता है। यहाँ पे राज्यसभा की कंडीशन क्यों लगाई गई, इसका पीछे का जो रीज़न है, जो कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति देश के अंदर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष अगर कोई व्यक्ति पूछा जाए भारत के अंदर कौन होता है, तो वो कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा। ये बात आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 दोनों अनुच्छेदों के अंदर स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भारत के अंदर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति देश के अंदर राज्यसभा का सभापति होता है। राइट, ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा जब हम इसे आगे चल के लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है, आर्टिकल 64 उसके साथ साथ अनुच्छेद 89 के अंदर इस चीज़ का जो जिक्र है वो दिया गया। अब जब ये आदमी उपराष्ट्रपति अध्यक्ष राज्यसभा का होता है, तो सीधी सी बात है कि राज्यसभा का चुनाव जीतने के लायक उम्मीदवार होना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि वो आदमी देश के अंदर उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। राइट, इस व्यक्ति को, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या देश का जो राष्ट्रपति होता है, इस व्यक्ति को जो वेतन भत्ते और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती, इसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष होने के। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। तो योग्यता जो है वो 35 वर्ष हो, राज्यसभा का चुनाव जीतने के लायक उम्मीदवार हो, बाकी आपको बताइए भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, जिस समय वो पद ग्रहण करे तो उस समय वो पद किसी लाभ भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे ना हो, ये सभी के अंदर को मनाएंगे। आप चाहे कितने से बड़ा और छोटे से छोटा पदाधिकारी का जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये सब के अंदर कॉमन होती है। तो जो विशेष बात यहाँ पे याद करने की है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 35 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव जीतने के लायक उम्मीदवार ये होना चाहिए। अब बात आती है इसके निर्वाचन की, इसके चुनाव की बात आती है। देखिए, देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति की तरह ही एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जब देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके अंदर राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी का मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। हमने राष्ट्रपति के अंदर पढ़ा था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, लेकिन जहां बात उपराष्ट्रपति की आएगी तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा, यहां पे राज्य की विधानसभाओं के अधिकार नहीं है, और इनके भी कैसे, सभी का मतलब जो निर्वाचित हैं वो भी और जो मनोनीत है वो भी, दोनों प्रकार के सदस्य जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इसके चुनाव के अंदर भाग लेंगे। तो ये निर्वाचन की जहाँ बात आती है उपराष्ट्रपति की, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चल के जब शपथ की बात आती है तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलवाता है, भाई इसको राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाएगा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है, मैंने आपको बताया था, पद की शपथ या उसका सम्मान अगर किसी व्यक्ति को देना है तो वो हमेशा अपने पद से बड़ा पदाधिकारी आपको दे सकता है, छोटा नहीं दे सकता। चूँकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से बड़ा पद होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगला है वेतन, इसका वेतन 4 लाख रुपए कर दिया गया भाई प्रति माह।
ये हाल ही के अंदर संविधान संशोधन हुआ देश के अंदर, जिसमें इसकी जो वेतन था वो 1.25 लाख रुपए से बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया। इससे पहले 1,25,000 रुपये वेतन देश के अंदर उपराष्ट्रपति का हुआ करता, लेकिन नए संविधान संशोधनों के अनुसार ये बात लिखी गई है कि 4 लाख रुपये उसको 1 महीने के दिए जाएंगे। इसके बाद इसका कार्यकाल, बताइए कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें वो अपना जो पद है वो छोड़ सकता है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, वो कंडीशन होती हैं जब वो अपना क्या देना चाहे, त्यागपत्र। त्यागपत्र अगर देगा तो भी किसको देगा, त्यागपत्र देगा तो वो राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही पद ऐसे होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है लिखित रूप से, ठीक है। तो ये आपने छोटी सी बात इसमें ध्यान रखनी, मैंने आपको ये बता दिया। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जब बात इसको पद से हटाने की आएगी तो त्यागपत्र की बात थी, अगर हम इसको पद मुक्त करने की बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा दिया था, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कैसे किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कैसे प्रस्ताव से किया जाता है जो राज्यसभा से क्या हो, बहुमत से पारित किया गया हो। राज्यसभा अगर किसी प्रस्ताव को, राष्ट्रपति हो गया, संसद का थोड़ा जिक्र कर दूं, लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा तो ऐसा प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाएगा, ये सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अध्यक्ष किसका होता है, राज्यसभा का, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसीलिए अगर इस राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य या कुल सदस्यों के अंदर बहुमत से अगर इसको हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो इसको, जिसमें लोकसभा की सहमति अनिवार्य है, इसमें लोकसभा की सहमति अनिवार्य होती है, उसकी सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। एक बात और इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है। मैंने क्या बताया, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता भाई, ये बात ध्यान रखनी है। कई बार पेपर में एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा उलझा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा और वो ये पूछेगा कि भारत के अंदर एक ऐसे राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी का नाम बताओ जो उस निकाय, जो किसी निकाय का अध्यक्ष तो होता है, सभापति तो होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर देना है आपको उपराष्ट्रपति, चूँकि ये सदस्य नहीं है तो इसको मतदान करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन ये सभापति है तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत जो है वो देने का जो अधिकार है वो इसी के अंदर दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर भारत के अंदर किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। मैक्सिमम कितने दिन तक काम कर सकता है, 6 माह तक काम कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जब अनिवार्य होगा और इन 6 महीने के दौरान अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 6 माह राष्ट्रपति का पद खाली है उसके ऊपर काम कौन कर रहा है, उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से देश में काम करता है तो वो राष्ट्रपति को दी जाने वाली तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते, राष्ट्रपति को दी जाने वाली संसद के द्वारा सुख सुविधाएं जितनी भी हैं उन सबका उपभोग करने का अधिकार देश के अंदर उपराष्ट्रपति जो है वो रखता है, ठीक है। भारत के अंदर उपराष्ट्रपतियों का अगर जिक्र किया जाए तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का जिक्र अगर पूछा जाए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में 1952 से लेके 62 दो बार लगातार देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। आज तक भारत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, 2 बार। पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक और कौन थे, डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद जो अंसारी थे वो भी भारत के अंदर लगातार 2 बार क्या चुने गए थे, उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है
राधा कृष्णन 1952 से 62। और एक बात और भी बता दूं प्यारे दोस्तों कि जिस समय भारत के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था, इससे पहले ये सोवियत संघ के अंदर राजदूत के पद पर नियुक्त थे। सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद के ऊपर ये नियुक्त थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ तथ्य थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इससे अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो प्रधानमंत्री के ऊपर रहेगा और साइंस का भी एक आधा वीडियो हम बहुत ही जल्दी डालने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।